दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर आपका गूगल एड अकाउंट है वो रन नहीं कर रहा यानी चल नहीं रहा, तो ऐसे केसेस में आप काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपका अमाउंट वहां पे स्पेंड किया हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में केवल तीन प्रॉब्लम हो सकती है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, पर यहाँ पे तीन प्रॉब्लम 99% केस में मेरे को देखने को मिली है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, आप अपने गूगल एड अकाउंट पर जाइए, उसको साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद में आपने कैंपेन पे क्लिक करिए। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको इस साइड में जाना है और यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन को चेक करना है। नोटिफिकेशंस में क्या होता है, काफी केसेस में आपका जो अकाउंट है वो हो जाता है डिसअप्रूव्ड, यहाँ पे इस वजह से आपका जो कैंपेन है और डिसअप्रूव होने की वजह से चलता नहीं है, रन नहीं करता। दूसरा सबसे कॉमन फैक्टर दोस्तों ये है कि आपको ऊपर की साइड पे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें गूगल आपका अकाउंट रोक लेता है, यानी आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है जिसमें गूगल आपके सस्पेंशन को अवॉइड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हमें से एक सस्पेंशन मैसेज आपको दिखाई देगा ऊपर की साइड पर, आप चेक करते रहिएगा। जैसे आप और व्यू पे क्लिक करेंगे जरूर आपको सस्पेंशन मैसेज आ जाएगा दोस्तों, अगर आप वैसे चेक करना चाहते हैं तो मेल को चेक करिए। तीसरा सबसे कॉमन रीजन होता है दोस्तों वो ये है कि आपका कैंपेन्स, दोस्तों कैंपेन्स के अंदर आप जो कीवर्ड डालते हैं वो कीवर्ड इस लेवल के नहीं होते कि आपका अकाउंट चल पाए, यानी आप बिडिंग डाल, मान लीजिए आपके बिडिंग की कीमत है जैसे पैकर्स एंड मूवर्स एक कीवर्ड हो गया, अब कोई कस्टमर पैकर्स एंड मूवर्स के ऐड लगाता है तो वो 10 रुपये 15 रुपये क्लिक करके रख देता है, उसी वजह से उसका अकाउंट नहीं चल पाता। तो आपका कैंपेन है वो डिसअप्रूव तो नहीं हुआ, साथ में उसका जो बिडिंग लेवल है वो कितना है ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है शुरुआत में, इसलिए आपको बिडिंग लेवल सेट करना है। तो क्या करना होगा, आप कैंपेन पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए, उसके बाद में आपको करना क्या है, आप सर्च पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिसअप्रूव वाला मैसेज आया है, तो ये सबसे कॉमन रीजन है आपका, ये तो आपको ऊपर देख चुके हैं ऊपर आ रहा है। बट इसके अलावा जो कीवर्ड है उसमें सेटिंग में जाएंगे, जब आपका अकाउंट है और जो कैंपेन सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे बिडिंग जो है वो आपको दिखाई जाएगी। दोस्तों एक बार के लिए मैं आपको बिडिंग दिखा देता हूँ, जैसे ही आपने सेटिंग पे क्लिक करा, सेटिंग पे क्लिक करने जैसे कि पेज लोड हो जाएगा, पेज लोड होने के बाद में यहाँ पे आपको बिडिंग का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। सो फिलहाल के लिए बिडिंग का ऑप्शन रन हो रहा है, देख सकते हैं जैसे कि बिडिंग का ऑप्शन खुल चुका है, यहाँ पे आ चुका है बिडिंग। बिडिंग का मतलब होता है कि कितना रुपये पर क्लिक कट रहा है, यहाँ पे 15 रुपये रखा हुआ है, तो अगर आपका 15 रुपये क्लिक रखा हुआ है तो आप यहाँ से हटा के इसको बिडिंग को बिल्कुल हटा दीजिए, उसके बाद में इसको सेव कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बिडिंग है वो कितना मैक्सिमम लग रहा है गूगल की तरफ से, इससे आपका ऐड चलने लगेगा दोस्तों। अगर फिर भी ऐड नहीं चल रहा तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपका ऐड सेटअप करके दे सकूँ।